मेरे चैनल पर 50 और 60 की उम्र की भी बहुत प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी आंटीज हैं जो कि मुझे बेटा कहती हैं, और वो ये सोचती हैं कि हम ऐसी रेमेडी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो उम्र हो चली। तो आज 5 दिन का चैलेंज है, आपकी उम्र 50 की है, 60 की है, 70 की है, 5 दिन का ये चैलेंज लीजिए और आप अपनी स्किन को रीजेविनेट होता हुआ देख पाओगी। गाइज, आपकी स्किन के ऊपर जो बुढ़ापा गायब होगा, जो झुर्रियां गायब होंगी, जो एज स्पॉट गायब होंगे, उसको देखकर आप हैरान होने वाली हो, बल्कि आपकी स्किन को देखकर लोग हैरान होने वाले। ये वो सॉल्यूशन है जिसको मैंने बनाया है और इसको हम यूज करने वाले हैं अपने स्किन के ऊपर। जिनकी भी स्किन बुझी है, डल है, जिनकी स्किन के ऊपर झुर्रियां आना शुरू हो गई है, जो अपनी साइन और एजिंग को देखकर परेशान है, जिनके चेहरे पे बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, जिनकी स्किन लूज है और लूज होकर उनकी स्किन का ग्लो हो गया है, तो वो आज की मेरी इस रेमेडी को ट्राई करो। और ट्राई करने के बाद 5 दिनों के बाद आकर मुझसे आप बोलोगे, निगार, मेरे चेहरे को देखकर सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने आज क्या लगाया। तो सीक्रेट जानना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आओ देखते हैं आज का खूबसूरत सही वीडियो। खूबसूरत सा वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, सब कुछ आपने सुनी लिया है, बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को शुरू करती हूँ। बट अगर आप मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हो, मेरा नाम निगार है और यहाँ पे मैं ऐसी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ जिसको आप घर पर कर सकते हो और खूबसूरत स्किन अचीव कर सकते हो। घर बैठे आपकी जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यू है या फिर आपकी बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो जस्ट यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, वो भी होम रेमेडीज से, घर की नेचुरल चीज से, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की चीजों को आप लगाना ही छोड़ दो। आप एक बैलेंस क्रिएट कीजिए बाहर की चीजों में और घरेलू चीजों में, और उन चीजों को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करती हूँ। एंटी एजिंग वीडियो है, बहुत खूबसूरत वीडियो है और इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। ये मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन है और इसको मैं हफ्ते में 3 बार करती हूँ। आपको भी 3 बार ही हफ्ते में करना है, डेली डेली करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपके चेहरे पे एज स्पॉट नहीं आएंगे, आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगी, आपकी स्किन सैग नहीं होगी, आपकी स्किन का कोलेजन जो है बिल्डअप रहेगा यानी मेंटेन रहेगा, स्किन आपकी झूलती लटकती हुई नहीं नजर आएगी, आपकी स्किन हमेशा टाइट और फर्म रहेगी और स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो बना रहेगा जिससे कि आपकी स्किन हमेशा फ्रेश और खिली खिली दिखेगी। तो क्या करना है, बहुत सिंपल चीजें, बट ये सिंपल चीजें इतनी ज्यादा असरदार है कि जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप पाओगे कि आपकी स्किन को इसने गजब का रिजुविनेट किया है। जी हाँ, आपकी एज रिवर्स करके आपकी स्किन को फिर से जवान और यंग बनाने का ये फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिसको मैं हमेशा महीने में 2-4 बार तो हमेशा करती हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको लेना है गाइस फ्रेश एलोवेरा लीफ। देखो यहां पर अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं मिलना, तभी आप मार्केट बेस वाला एलोवेरा जेल लोगी, अदरवाइज आपको फ्रेश वाला ही इस्तेमाल करना है इसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा लीफ एक टुकड़ा, इतना जितना हथेली है ना, इतना बराबर एक टुकड़ा आप काट लेना और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए आप उल्टी तरफ से जहां से कट किया है ना ऐसे ही लटका देना या कहीं पे साइड में ऐसे रख देना। क्या होगा कि इससे एक येलो कलर का लिक्विड पार्ट निकलता है, उसको हमें टोटली इस एलोवेरा लीफ से हटाना है क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर स्किन इरिटेशन का कारण बन सकता है, खुजली हो सकती है, आपकी आईज उससे लाल हो सकती है, तो इसको हमें टोटली निकल जाने देना है। अब क्या करना है, ये एलोवेरा लीफ से देखो मैंने तोड़े हुए इसको तकरीबन आधा घंटा हुआ था और आधा घंटे बाद गाइस पूरा का पूरा येलो लिक्विड इसका रिलीज हो चुका है, निकल चुका है। अब वहां से थोड़ा सा कट करके इसको अलग कीजिए और इस एलोवेरा लीफ को हमें अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें धूल मिट्टी जो भी है ना वो निकल जाए, ठीक है। धोने के बाद साइड से आप कांटे कट करोगी और कांटे कट कर लेने के बाद आपको 2 पार्ट इसके कर लेने, 2 भागों में कीजिए। एक भाग को हम यूज करेंगे और एक भाग अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए हम रखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कद्दूकश लेना है और उसको किसी भी बोल में या ट्रे में जिसमें भी आप चाहें इस एलोवेरा को लेकर इसको आप ग्रेट कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ जेल मिल जाएगा जिसको हम इजिली अपने स्किन के ऊपर लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे हमें टोटली बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जेल मिल गया है एलोवेरा का, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन को तरोताजा रखता है, टाइट रखता है, जो लोग ये कहती है ना कि निगार बहुत गड्ढे हो गए, बहुत चेहरे पे ओपन पोर्स दिखते हैं, हमारे चेहरे के ओपन पोर्स तो खत्म ही नहीं होते हैं, स्किन को टाइट करने के लिए, ओपन पोर्स को खत्म करने के लिए कुछ बता दो गाइस, तो मैं आपके लिए यहाँ पर पेश कर रही हूँ टमाटर का रस। जी हाँ, टमाटर का रस हम इसके अंदर मिक्स करेंगे गाइस।
ये दोनों ही चीजों का जो कंपाउंड है, जो बेस है, जो इनका कॉम्बिनेशन है, ये इतना ज्यादा पोटेंट है स्किन के लिए। ये इतना ज्यादा आपकी स्किन को जवान करने का फॉर्मूला है गाइज, या आपकी स्किन को इतना ज्यादा हाइड्रेशन देने का फॉर्मूला है, आप इसको लगा कर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आधा टमाटर लेना है, आधे को आप खा लीजिए या फिर सब्जी के लिए रख लीजिए, ठीक है। बट मैंने यहाँ आधा वाला जो था ना उसको खा लिया, वीडियो बनाते बनाते ही मैंने उसको मुंह में रखा और उसको खाती गई और वीडियो शूट करती गई। तो यहाँ पे आधा टमाटर का रस ले लिया है। अब दोनों चीजों को आप एक बोल में प्लेस कीजिए, और यहाँ पे हमको इसका तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है। पे हम यूज कर रहे हैं कॉफी पाउडर। जी हाँ, कॉफी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होती है। कॉफी आपकी स्किन को जवान रखती है, कॉफी आपके चेहरे से ब्लैमिशेस, मिलाजमा को हटाती है, कॉफी आपके चेहरे की पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है, कॉफी आपके चेहरे पे रंगत को फेयर करने के लिए भी होती है, और कॉफी आपकी स्किन से टैन को भी हटाती है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी स्किन के ऊपर कभी भी कालापन ना आए, तो कॉफी को इस्तेमाल कीजिए। कॉफी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। जिन लोगों को कॉफी सूट नहीं करती है, वो इसकी जगह कोको पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉफी ले ली, और इसके बाद 2 विटामिन ई के कैप्सूल आप इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक। विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आधा चम्मच नारियल का तेल, या फिर आप आधा चम्मच बादाम का तेल इसके अंदर ऐड कर सकती हो। इतना कर लिया, अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए गाइज। और अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉफी के पार्टिकल्स पूरी तरह से इसमें घुल जाने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप कि इतना खूबसूरत एक ऐसा जेली वाला हमें सॉल्यूशन मिला है, जो कि हमारी स्किन को बाइंड करेगा, हमारे कोलेजन को बूस्ट करेगा, सेल्स को बिल्डअप करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए बहुत खूबसूरत है गाइस। अब आपको इसको लगाना कैसे, लगाने के लिए आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखना है। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है, या ये वीडियो आपकी जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आगे जो फ्यूचर वीडियोज आए आपसे मिस ना हो और आप उनका घर बैठे फायदा उठा पाए, ठीक है। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। चलो अब फटाफट से बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से लगाना है। ये जो रेमेडी हम कर रहे हैं, ये नाइट स्किन केयर रूटीन है मेरा, और इसको मैं हफ्ते में 3 बार करती हूँ। आपको क्या करना है, इसको यूज करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आपको अपने चेहरे को सुखाना है, ठीक है। सुखाने के बाद ये जो सोल्यूशन हमने लिया है, इस सोल्यूशन को लेकर आप अपने पूरे चेहरे पे रब करते हुए लगाइए, ठीक है। डार्क सर्किल, क्या डार्क सर्किल का अगर बाप भी है ना, आंखों के चारों ओर आपके काले घेरे हैं, आंखें अंदर की तरफ धसती चली जा रही हैं, आंखें चारों ओर झुर्रियां दिख रही हैं, तो वो ऐसी गायब होंगी जैसे आपके चेहरे पे कभी थी ही नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इस सोल्यूशन को अपने पूरे चेहरे पे गोल 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 घुमाते हुए लगाइए, नेक एरिया पे लगाइए। कोशिश ये करिए कि पूरा का पूरा जितना हमने बनाया एक ही बार में आपकी स्किन के ऊपर लगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा गाइस, बट इसके रिजल्ट जो आने वाले हैं वो 100 फेशियल से ज्यादा निखार आपको देंगे, और 100 फेशियल के गुना आपको बेहतर रिजल्ट अपने स्किन के ऊपर नजर आएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपने इसको लगा लिया, और लगाने के बाद तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको यहाँ पर आपको छोड़ देना है। 25 मिनट बाद आप देखोगे कि ये हमारा इस तरह से सूख चुका है। सूखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने आधा लीव रखा था ना एलोवेरा जेल का, आपको इसका इस्तेमाल करना है। बट इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये देख लीजिए ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको लेना है एरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल जो होता है ना, ये आपकी जवानी को बरकरार रख सकता है। जी हाँ, ये आपकी स्किन के कोलेजन को बिल्डअप करता है, आपकी स्किन पे होने वाली झुर्रियों को हटाता है, आपकी स्किन पे एक फ्रेशनेस लेकर आता है। और जो लोग अपनी स्किन की चमक खो बैठे हैं, या जिनको लगता है कि उनके फेस का ग्लो खत्म हो रहा है, तो वो एरंडी का तेल यानी इसका इस्तेमाल करके, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करके फिर से अपना खोया हुआ ग्लो पा सकते हैं। और ये नेचुरल स्किन से स्पॉट इरेज करने का भी फॉर्मूला है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चंद कतरे तकरीबन 5 से 6 बूंद कैस्टर ऑयल की आप एलोवेरा लीव के ऊपर इस तरह से डालोगी जैसे आप मुझे देख रही हो। और इसको डालने के बाद गाइस आपको इसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आप पूरे चेहरे पे इस लगे हुए सोल्यूशन के ऊपर ही 7 से 10 मिनट, जी हाँ 7 से 10 मिनट आपको मसाज करना है। आप कहोगे निगार 10 मिनट बहुत ज्यादा है, बट मैं बोलूंगी कि 10 मिनट का जरा टाइम तो देकर देखिए गाइज। ऐसे आपकी स्किन रिजुविनेट होगी कि आप महंगे पार्लर ट्रीटमेंट या फिर महंगे स्किन ट्रीटमेंट या फिर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, आज तक आपने जितना पैसा खर्च किया है ना, आपको लगेगा वो मेरा पानी में बह गया, वो मेरा बेकार हो गया। इसको करके देखना, 10 मिनट का टाइम देना और पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से रब करना, जब तक कि एलोवेरा पत्ते का जो जेल है ना पूरा का पूरा आपकी स्किन पी ना जाए।
अब क्या करना है गाइस कि इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अगेन छोड़िए और 5 मिनट बाद आप ठंडे पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लीजिए। अगर आप ल्यूकेवॉर्म वाटर के लिए सीजन में कंफर्टेबल हैं तो ल्यूकेवॉर्म वाटर से भी आप अपनी स्किन को वॉश कीजिए और इसके बाद पाइए गजब की स्किन, गजब का रिजल्ट और गजब का रिजुविनेशन आप अपनी स्किन के ऊपर देख पाओगी। आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी, आपकी स्किन इतना टाइट हो जाएगी, इतना फर्म हो जाएगी एक बारी में। और जब सोचो आप हफ्ते में 3 बार इसको करोगी तो आपकी स्किन तो जवान होने ही वाली है। जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब का है, बहुत ही पावरफुल है। अगर ये वीडियो कोई नई एज की गर्ल देख रही है यानी 18+ है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, 20+ हो चुकी है तो ग्लो के लिए कर सकती है। या फिर आप अभी जो है ना बहुत छोटी हैं और ये वीडियो फिर भी शौक में देख रही हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मेरे वीडियो देखना पसंद करती, तो उनको मैं बता रही हूँ कि वो अपनी मम्मी को ये सोल्यूशन ज़रूर बताएं, ठीक है। मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी और आपकी मम्मी अपने स्किन को देखकर बहुत बेहतर महसूस करेंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत गजब का है गाइस, इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्राई करने के बाद रिजल्ट मेरे साथ सेक्शन में शेयर करना मत भूलना, मुझे आपके कमेंट का फीडबैक का इंतजार रहता है। और प्लीज अगर आप लोग यहां पर इतना सपोर्ट दे रहे हो तो मुझे फेसबुक पे ही सपोर्ट करो, ब्यूटी सीक्रेट बाय निगार मेरा पेज है, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो गाइस, वहां पे भी अमेजिंग कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, उसको देखना बिल्कुल ना भूलना। या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे निगारफातिमा17, मेरी ईमेल आईडी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिंक को शेयर कर दिया करो और एक लाइक अगर करोगे तो दिल को तसल्ली होती है, अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो मेरी फैमिली को पसंद आया है। देखो पसीना इतना आ रहा है, मतलब क्या ही बोलूं, हद है गर्मी की, इतनी गर्मी में बैठकर ये वीडियो शूट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, चैनल पर बने रहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो 12 बजे फिर से लेकर आने वाली हूँ, कोई कमाल की रेमेडी होगी, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर गाइस, बाय बाय।